इसे क्या बोला जाता है, ऑड वन आउट, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका, इसी को बोलते हैं ऑड वन आउट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है हमारा कि हमको सबसे अलग वाला ढूंढ के बाहर निकालना होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ऑड वन आउट, यानी सबसे अलग जो होता है ऑप्शन में उसको आपको निकालना होता है। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ पढ़ाने के लिए नहीं होता, बस आपको देख के समझना है। चलो क्वेश्चन नंबर वन ट्राई करो, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, रूफ लीफ स्टेम प्लांट नन ऑफ दिस, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है, ट्राई करिए सब बच्चे। इसमें कुछ पढ़ाना नहीं होता है, इसमें बस आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कौन किसका क्या है, आप आराम से कर लोगे। तो देखो बेटा, लीफ जो है वो प्लांट का पार्ट है, स्टेम है वो भी प्लांट या ट्री का पार्ट है, और प्लांट जो है वो खुद एक प्लांट है ही। तो रूफ जो होता है वो किसका पार्ट होता है, हाउस का पार्ट होता है। तो क्या आंसर आएगा हमारा, ऑप्शन ए, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो यही होता है क्लासिफिकेशन। अब अलग अलग टाइप क्लासिफिकेशन है, किसी में नंबर्स आते हैं, किसी में वर्ड्स के आते हैं, किसी में डायग्राम्स के आते हैं, सब कुछ अलग अलग आता है। बोलो कोई डाउट किसी को, समझ में आ रहा बेटा क्लासिफिकेशन क्या करना है, जो सबसे अलग होगा उसको अलग करना होगा। कुछ एग्जांपल मैं आपको करवाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो असाइनमेंट करने में। तो आंसर आएगा रूफ। क्वेश्चन नंबर टू बताओ जी आंसर, क्वेश्चन नंबर टू। अब देखो ये थोड़ा सा बायो टाइप का आ गया, साइंस का आ गया पार्ट हमारा। क्वेश्चन नंबर टू ट्राई करो बेटा, पी इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल, ये एक वेजिटेबल है, कैबेज यानी पत्ता गोभी भी एक वेजिटेबल है, और लेडी फिंगर भी एक वेजिटेबल है, बट मैंगो जो है वो किसके अंदर आता है हमारा, फ्रूट के अंदर आता है। तो कौन सा आंसर होगा हमारा, ऑप्शन सी यानी कि मैंगो, खत्म। बोले कोई दिक्कत, अभी धीरे अलग अलग वेरिएशन देखो, पहला वाला नॉर्मल एक ऑब्जेक्टिव चीज थी, सेकंड वाला वेजिटेबल का एग्जांपल हो गया, धीरे धीरे मैं आपको अलग अलग वेरिएशन दिखाऊंगा सवालों के। बोले बेटा कोई डाउट किसी को, इसे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑड वन आउट भी बोलते हैं, जो सबसे अलग है उसको अलग कर दो। चलिए अगला सवाल, अब देखो ये मैथमेटिक्स बेसिस आ गया हमारा सवाल। अब ये करो, हर वेरिएशन में मिलता है, जैसे एनालॉजी और क्लासिफिकेशन जो है वो वेरिएशन के साथ मिलता है। तो देखो बेटा, पहला है हमारा 4 5 5 6, यहाँ कितना इंक्रीज हो रहा है, +1 +0 +1। ठीक है, अगला देखते हैं 2 3 3 4, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है +1, यहाँ पे +0, अगेन +1, यानी दोनों का लॉजिक सेम चल रहा है। नेक्स्ट 6 7 7 8, ये हो गया +1 +0, अगेन +1, ये दोनों लॉजिक ठीक ठाक चल रहे हमारे, तीनों सेम थे। अगले वाले में चेक करते हैं 6 6 7 8, यहाँ पे रुक जाओ बेटा +0 +1 +1, ये तीनों सेम लॉजिक से काम कर रहे थे लेकिन ये अलग हो गया, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। बोलो जी भाई कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, अब सब आसान आसान टॉपिक है, इसका एक लास्ट टॉपिक कराएंगे जो है आपका। चलो जी अगला सवाल, तो थोड़ी छोटी छोटी क्लासेस रहेंगी क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट असाइनमेंट खत्म करो। चलो जी क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो भाई क्या है सवाल में, पहला वाला उठाते हैं 8 7 6, देखो मेरा लॉजिक अलग हो सकता है आपका अलग हो सकता है, टेंशन मत देना, बस आंसर हम दोनों के सेम आने चाहिए। यहाँ पे हो रहा है -1, अगेन -1 एंड -0, यानी कोई माइनस नहीं हुआ। अगला वाला 8 6 5 5, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे -1 -0, यानी लॉजिक बदल गया है। अगला देखते हैं, यहाँ पे -1
यहाँ पे -1 बेटा, हम जानते हैं आप लोग के आपको बहुत सारे लॉजिक मिल रहे हैं, लेकिन सबका नहीं करना है, आप लोग अपना लॉजिक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा -1 -1 एंड -0, तो कौन सा सेम हमारा? 3 हमारा, 1 2 3, यानी ये तीनों सेम है हमारे, कौन सा अलग हो गया हमारा, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप लोग का लॉजिक हो सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन है आप लोग का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बी इज नॉट डिविजिबल बाय, तो हाँ ये भी ठीक लॉजिक है कि ये हमारा ऑड नंबर है जो कि डिविजिबल नॉट नॉट डिविजिबल बाय ऑड नंबर, यानी कि नॉट डिविजिबल बाय 2। बाकी सबके लास्ट में 4 है, यानी डिविजिबल बाय 2, 2 डिवाइड 2 डिविजिबल बाय 2, यानी तीनों डिविजिबल 2 है, ये डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है जी, बोलो जी, समझ में आया? समझ आ रहा है क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है आपको? तो क्लासिफिकेशन है तो भी यही करना है, ऑड वन आउट आए तो भी आपको यही पढ़ना है। चलो जी, अगला सवाल अब देखो, ये आ गया अल्फाबेट्स के सवाल। चलो जी बताओ क्या आंसर आएगा। सारे वेरिएशन दिखा दिए मैंने आपको, तो कोई भी वेरिएशन आ जाए घबराना नहीं है आपको कि सर ये नहीं करवाया, नंबर वाला नहीं करवाया, सब वेरिएशन डाल दिया है, वेजिटेबल फ्रूट साइंस मैथ्स सब डाल दिया मैंने इसके अंदर, अल्फाबेट सब घुसा दिया मैंने, टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। चलिए बताइए इसका आंसर। हाँ जी, तो क्या आंसर आ रहा है? डी आ रहा है। चलो जी देखो क्या है, चलो पहले आंसर दे लो फिर बताते हैं। देखो STU, पहले आता है U फिर आता है V, इसमें लिखा कैसे गया? उल्टा लिख दिया, V पहले फिर U, पहला काम। पहले आता है I फिर आता है J, इसमें क्या लिख दिया गया? उल्टा लिख दिया गया, यानी कि JI। नेक्स्ट पहले आता है L फिर आता है M, उल्टा क्या लिख दिया है? ML। और UVW और X, और लिख भी दिया वैसे का वैसा, यानी तीन का लॉजिक सेम किया है, इसका लॉजिक उल्टा डाल दिया, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ए रॉन्ग है, ई रॉन्ग है, डी इज द राइट आंसर बेटा। बोलो जी कोई डाउट, कर लोगे सवाल असाइनमेंट के? 4 5 असाइनमेंट है इसके, 4 असाइनमेंट बेटा इसके, 2 आज भेजूंगा 2 कल भेजूंगा। बोलो जी कोई दिक्कत? चलो तो अगला सवाल देखते हैं कि नहीं। चलिए अगला सवाल, अगेन अल्फाबेट्स, ए जो है इसका सही आंसर है। देखो कैसे, वी डब्लू एक्स, यानी एक को छोड़ दिया गया तो इसका बन गया वी एक्स। अगला टी के बाद ही यू आता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, कोई छोड़ा नहीं है। क्यू के बाद ही आर आता है, पी क्यू आर, यानी क्यू का आर, यानी कंटिन्यूस चल रहा है। तो ओ के बाद ही पी आता है, यानी ये भी कंटिन्यूस चल रहा है, ये तीनों हमारे कंटिन्यूस हो गए, और ये हमारा एक गैप करके दिया हुआ है, यानी आंसर आएगा ऑप्शन ए। डी कैसे दे दिया आप लोगों ने पहले? ध्यान से तो बेटा आंसर जी, ऐसे थोड़ी चलेगा इतने आसान सवाल, गलत करोगे तो। बोलो जी कोई डाउट? तो 2 अल्फाबेट्स, 2 न्यूमेरिकल, 2 बायोटाइप क्वेश्चन, बेटा इनके हार्ड सवाल नहीं आते बेटा, यही तो दिक्कत है। अब तुम लोग इतना ज्यादा पढ़ चुके रीजनिंग ना, अब तुम लोग को खुद ही आसान लगने लग गए हैं, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज तुम पढ़ी चुके हो, अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ी चुके हो, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज पढ़ी चुके हो, एनालॉजी पढ़ी लिया है, तो हार्ड कहाँ से लाए? हार्ड नहीं होता बेटा, कुछ कंसेप्ट होता है। चलो पहले लगाते हैं P Q R, यानी एक छोड़ के आया है, A B C D, यानी दो छोड़ के आया है, L A B C D I J K L M N O, यहाँ पे भी दो छोड़ के आया है, फिर E F G H, यहाँ भी दो छोड़ के आया है, तो कौन सा लॉजिक सेम है? ये और ये, यानी कौन सा अलग हो गया? ऑप्शन ए। बोलो जी कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8,
तो भाई ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये तीनों हमारे क्या बन गए? ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। आंसर आएगा ऑप्शन, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है। अब ये तुम लोग को नॉलेज में रहना चाहिए कौन क्या आवाज निकालते हैं। यहाँ पर डैश आना चाहिए था, ये गलत लगा दिया। तो भाई लायन करता है रोर, कैट करती है म्याओ, डॉग करता है बार्क, तो बुल क्या करता है? वो भी रोर करता है, वो भी शेर से चिल्लाता है। ये कौन सा बुल आ गया हमारे पास? आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब इसके बहुत सारे लॉजिक है। देखो ये टू से डिवाइड, टू से डिवाइड, टू से डिवाइड। एक लॉजिक मैं बताता हूं, ये तो आपका हो गया टू से डिवाइड वाला। ये है 5, 1 + 4 करोगे तो कितना आएगा? 5। यहाँ पे करें 5 + 0 करोगे तो कितना आएगा? 5। 1 + 3 करोगे तो कितना आएगा? 4। 3 + 2 करोगे तो कितना आएगा? 5। यानी तीनों का सम 5 आ रहा है, ये 4 आया, यानी ऑप्शन सी। हाँ, ऑल आर डिवाइडेड 3, 2 भी चलेगा, ये भी ठीक है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।